नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स और मेरा नाम है रोशन भूमिया। दोस्तों, अजिंक्य रहाणे ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि विराट का रनआउट होना एडिलेड टेस्ट में हार का कारण रहा है। उन्होंने इस बात पर पुष्टि की है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में विराट कोहली की गैर मौजूदगी में अजिंक्य रहाणे कप्तानी संभाल रहे हैं। इस पर रहाणे ने कहा है कि उन्हें कप्तानी संभालने पर गर्व है। 4 टेस्ट सीरीज में इंडिया पहला मैच हार चुकी है। इस एडिलेड की पहली पारी में रहाणे की वजह से कोहली रनआउट हो गए थे। हालांकि ये दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था। मेलबर्न टेस्ट से एक दिन पहले रहाणे ने खुलासा किया कि मैच के बाद उन्होंने कोहली से माफ़ी मांगी। इस पर कोहली ने कहा कि उन्हें कोई नाराजगी नहीं है, उन्होंने कहा सिर्फ हालात की वजह से हुआ, इसमें किसी की गलती नहीं है। रहाणे ने आगे बात करते हुए कहा कि दिन का खेल खत्म होने के बाद मैं कोहली के पास गया और काफ़ी माफ़ी मांगी। हालांकि वह किसी प्रकार से नाराज नहीं थे। हम किस हालात में खेल रहे हैं यह हम दोनों ही जानते थे। क्रिकेट में ऐसी चीज़ें हो जाती है। इन सभी चीज़ों के बावजूद आपको सभी का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना होता है। कोहली का रनआउट होना ही मैच का टर्निंग पॉइंट रहा था। पहली पारी में कोहली 74 रन बनाकर आउट हुए थे। वे ज़्यादा देर तक खेलते तो बड़ा स्कोर बना लेते, ऐसे में मैच का नतीजा कुछ और ही होता। यह बात तो रहाणे ने भी मानी। उन्होंने कहा मैच हमारी स्थिति काफ़ी मजबूत थी, हम बड़ी पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उस रनआउट से मैच ऑस्ट्रेलिया की झोली में चला गया। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 244 रन बनाए थे। इसके बाद मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 191 रन पर समेट दिया।